कहते हैं 100 झूठ पर एक सच भारी होता है, लेकिन कभी कभी 100 सच को नकार कर सिर्फ एक झूठ पर लोग यकीन कर बैठते हैं, लेकिन हर झूठ का पर्दाफाश हम करते हैं। वो झूठ जो ना जाने कितनी तादाद में आपके लैपटॉप पे, फोन पे, हर दिन आपकी सोशल साइट्स पर भी वायरल हो रहा है, और वायरल हो रहे झूठ का पूरा एक्सरे सिर्फ और सिर्फ यहां, जिसे हम कहते हैं समाचार प्लस। नाम से ही पहचान बनती है, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों के नाम ऐसे होते हैं जो बराबर ही लोगों का ध्यान खींच लेते हैं, बरबस उनका नाम आपको अट्रैक्ट करता है। इन दिनों एक ऐसे नाम की तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें पंचायत चुनाव के उम्मीदवार की तस्वीर और उनकी विशेषता लिखी गई है। दावा है कि यह इटावा की तस्वीर है। हमने इस वायरल तस्वीर की पड़ताल की, देखिए क्या निकला। कहते हैं नाम से ही आदमी की पहचान होती है, और जब नाम सबसे हटकर हो तो हर किसी की नजर खुद पर खुद पड़ ही जाती है। ऐसा ही एक नाम इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। नाम देखते ही लोग पढ़ने पर मजबूर हो जाएं। ये तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसे देखकर लग रहा है कि ये पर्चा किसी पंचायत चुनाव में प्रचार के दौरान का है। पर्चे में लिखा है जनपद पंचायत अटेर वार्ड क्रमांक 13 ग्राम सकरावा के सदस्य पद के लिए शिक्षित योग्य और कर्मठ उम्मीदवार को वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाए। पर्चे पर महिला उम्मीदवार की पूरी तस्वीर भी छपी है, साथ ही उसके पति की तस्वीर भी है, और पति का नाम लिखा है नीरज शर्मा। चुनाव चिन्ह फसल काटता हुआ किसान। पर्चे के ठीक नीचे प्रिंटिंग प्रेस का भी नाम लिखा है यूनिवर्सल बुक सेंटर इटावा। लोग इस तस्वीर को शेयर करने के बाद लिख रहे हैं नाम में वजन होना चाहिए। जिस कमेंट बॉक्स में जवाब आया है जीतने से कोई रोक नहीं सकता, तो कोई लिख रहा है कि जीत पक्की है। नाम को लेकर किसी का भी फिक्रमंद होना लाजमी है, क्योंकि नाम हमारी पहचान के साथ जुड़ा होता है। इस कहानी में भी कुछ लोगों का मानना तो ये है कि नाम के साथ छेड़छाड़ हुई है, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ ध्यान खींचने के लिए ये तरीका अपनाया गया है। हमने वायरल तस्वीर की पड़ताल शुरू की। हमारे सामने पड़ताल की शुरुआत में कुछ अहम सवाल थे। क्या यूपी के किसी हिस्से में पंचायत चुनाव चल रहा है? पर्ची पर लिखा अटेर पंचायत कहाँ आता है? सकरावा गांव भारत में कहाँ पड़ता है? क्या ये यूपी के किसी पंचायत चुनाव का है? क्योंकि पर्ची पर प्रिंटिंग प्रेस का पता इटावा का लिखा गया था, इसलिए पहली बार ऐसा लग रहा था कि अटेर पंचायत इटावा जिले का हिस्सा होगा। दरअसल जब हमने अटेर नाम की जगह के बाबत पता किया तो इटावा विधानसभा में अटेर नाम की कोई पंचायत थी ही नहीं। यहाँ तक कि इटावा विधानसभा में तो छोड़ दीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश में अटेर नाम की कोई पंचायत नहीं थी। उसके बाद जब पड़ताल आगे बढ़ी तो पता ये चला कि मध्य प्रदेश में अटेर नाम की एक विधानसभा सीट है और ये पंचायत उसी के अंतर्गत आती है। हमने पर्ची पर लिखे गए नाम और मोबाइल नंबर पर फोन घुमाया, लेकिन नंबर बंद आ रहा था। हमें ये भी पता चला कि ना तो यूपी और ना ही उसके किसी पड़ोसी राज्य में पंचायत चुनाव हो रहे हैं। फिर हमने अटेर पंचायत के बाद इंटरनेट पर जानकारी जुटानी चाहिए, और हमें ये मालूम चला कि ये पंचायत यूपी नहीं बल्कि मध्य प्रदेश का हिस्सा है। पहले तो मध्य प्रदेश सरकार की ग्रामीण विकास विभाग वेबसाइट पर हमारी नजर पड़ी। अटेर जनपद की 6 पंचायत में अटेर भी एक पंचायत निकला, जो भीड़ जिले के अंतर्गत आता है। फिर एकीकृत बाल विकास सेवा मध्य प्रदेश की वेबसाइट पर भी हम गए, और वहां भी हमें अटेर के बारे में सूचना मिल गई। पड़ताल के दौरान हमें ये भी जानकारी मिली कि वायरल तस्वीर आज की नहीं बल्कि साल 2015 की है। हमें ये भी पता चला कि एमपी में 2014-15 में ही पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हुई। साल 2015 में 3 चरणों में चुनाव खत्म हुआ। पड़ताल के दौरान पता चला कि अटेर यूपी में नहीं है। एमपी सरकार की वेबसाइट पर अटेर पंचायत का जिक्र था।
एमपी में साल 2015 में चुनाव खत्म हो गए। तस्वीर भी साल 2015 से वायरल हो रही है, जो ये बता रही थी कि ये तस्वीरें सही हैं। लेकिन जल्द ही हम पहुंचे यूनिवर्स बुक सेंटर प्रिंटिंग प्रेस ये जानने की कि क्या इस नाम की किसी महिला उम्मीदवार कभी कोई पर्चा छपवाया था। जल्द ही हमें इसका जवाब मिल गया। हमें पता चला कि पर्चे से छेड़छाड़ हुई है, कैसे जरा ये भी समझिए। दरअसल प्रिंटिंग प्रेस के मालिक ने हमें बताया कि महिला का नाम रॉक्सी देवी है, लेकिन चंद शरारती लोगों ने इसे बदल डाला। रॉक्सी देवी नाम था कहीं पे, रॉक्सी देवी के लिए 2-3 साल हो गए होंगे। प्रिंटिंग प्रेस के लोगों ने हमें जो बताया उसने इस पर्चे की पूरी कहानी कह डाली। दरअसल ये तो सही था कि साल 2015 में चुनाव हुए थे, ये भी सही था कि ये पर्चे इटावा से छपवाए गए, लेकिन चंद असामाजिक लोगों को इससे खिलवाड़ करते हुए शर्म भी नहीं आई। हमारी पड़ताल जब मुकम्मल हुई तो पता ये चला कि महिला के नाम के साथ छेड़छाड़ हुई थी, यानी कि अच्छे भले नाम को जानबूझकर आपत्तिजनक बना दिया गया। ये साफ हो गया अटेर के पंचायत चुनाव में इस नाम की कोई महिला उम्मीदवार थी ही नहीं, मतलब हमारी पड़ताल में ये तस्वीर पूरी तरह झूठी पाई गई। ब्यूरो रिपोर्ट समाचार प्लस। हर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसके बारे में दावा है कि वो हर माँ बाप की आंखें खोल देगा। इस वीडियो में स्कूल ड्रेस में मासूम बच्चे सिगरेट के छल्ले उड़ा रहे। क्या है वायरल हो रहे इस वीडियो का सच, इस रिपोर्ट में देखिए। हर माँ बाप अपने बच्चों को बहुत उम्मीद से पढ़ने भेजता है, लेकिन आप जिन बच्चों से उम्मीद करते हैं वो बच्चे आपकी उम्मीद को सिगरेट के छल्ले में उड़ा देते हैं। ऐसा दावा करता एक वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। सड़क पर स्कूल के बच्चे धुएं के छल्ले उड़ाए जा रहे हैं, पीठ पर बैग और हाथों में सिगरेट। सभी बच्चे स्कूल ड्रेस में हैं। लड़कों ने सफेद शर्ट और भूरे रंग की पैंट पहन रखी है और सार्वजनिक जगह पर सभी धूम्रपान कर रहे हैं। रास्ते से लोगों का आना जाना भी जारी है, लेकिन इन बच्चों को जरा भी शर्म नहीं आ रही, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। झुंड में पहुंचे बच्चों के बीच एक लड़की भी है जो बेहिचक सिगरेट के धुएं उड़ाए जा रही है। सिगरेट पीने के बाद इनमें से एक स्टूडेंट ने जेब से पैसे निकालकर दुकानदार को दे दिया। ये सब कुछ वहां मौजूद किसी शख्स ने अपने मोबाइल में उतार लिया। ये वायरल वीडियो वाराणसी का बताया जा रहा है। हमने इस वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की। इस समय हम वाराणसी सिवरा थाना क्षेत्र इलाके में है। ये सिवरा इलाका है, यहाँ पर बियर की दुकान है और इसके ठीक बगल में सिगरेट और कोल्ड ड्रिंक की दुकान है। यही वो जगह है जहाँ पर नाबालिग छात्र और छात्राएं सिगरेट के वो धुएं को उड़ा रहे थे, जिसे देख कर यहाँ के जो सम्मानित व्यक्ति है वो भी शर्म से अपना चेहरा झुका लिए। आइए यहाँ पर जानते हैं कि कितनी उम्र थी उन लड़की और लड़कों की, कितनी उम्र थी चाचा? आप यहाँ पर रहते हैं, क्या देखा था आपने? वो लोग यहाँ आए थे सूरत में, सूरत में गए, हम आप लोग सूरत नहीं दे सकते हैं, तो वो लोग गए उधर सामान लेके आए, तो यहाँ पीने के लिए बोले थे हमको यहाँ मत दीजिए, कहीं आप सबका ठेका लेके बैठे हैं। आपने क्या देखा? वही की लड़की लग रहा सिगरेट पी रहे थे। कितनी उम्र रही होगी, क्योंकि जो दिख रहा है तस्वीरें कभी झूठ नहीं। जो दिख रहा है हकीकत में तो 17-18-16 यही सब रहा होगा, लड़की लड़का दोनों मिला के। क्या लड़की भी फूंक मार रही थी? हाँ, तो वीडियो में तो दिखाई है। क्या लड़की फूंक मार रही है? तो ऐसे में लोगों का कहना है कि एक गलत मैसेज जाता है। हालांकि जिस तरह वो वीडियो सोशल साइट पर वायरल हो रहा था, उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग इस वीडियो को देखकर आहत हैं। तरह यहाँ पर जिस सिगरेट की दुकान पर सिगरेट पीते हुए छात्र और छात्राएं जो थे, तो नाबालिग छात्र और छात्राएं यहाँ पर दिखे हैं। क्या ये वीडियो वाराणसी का ही है? क्या वाराणसी में ऐसी कोई जगह है? स्कूल ड्रेस में ये बच्चे हर रोज ऐसी हरकत करते हैं, क्या इन बच्चों को कोई रोकने वाला नहीं होता? हमने उस स्कूल के बारे में भी जानकारी इकट्ठा करनी शुरू कर दी जहां ये बच्चे पढ़ाई करते हैं।
और आखिरकार हमारे संवाददाता राजू श्रीवास्तव उस जगह पर पहुंच ही गए। जगह आईपी मॉल वाराणसी, थाना सिगरा। ये आईपी मॉल के ठीक पीछे की तस्वीर थी। राजू ने मौके पर पहुंचकर देखा, वायरल वीडियो में दिख रही जगह और आईपी मॉल के पीछे की जगह एक ही निकली। हमने वहां के लोगों से भी बात की और कई चश्मदीद हमें मिल गए। अगर बच्चे घर से बाहर निकले पढ़ने के लिए तो पेरेंट्स की निगाहें उन पर जरूर होना चाहिए। जो खास हमने ये रिपोर्ट दिखाई, इसमें ये बात तो साफ हो जाता है कि बच्चे, आजकल के नाबालिग बच्चे भी अपनी मनमानी करते हैं। मनमानी का जीता जाता उदाहरण की तस्वीर देखने को मिली वाराणसी धर्म की नगरी काशी से। क्या देखा आपने, किस तरह के छात्र और छात्राएं? स्कूल बस में थे, 9 या 10 के स्टूडेंट रहेंगे। क्या कर रहे हैं? सिगरेट पी रहे थे। तो आप मानते हैं इस तरह लड़की सिगरेट का धुआं उड़ा रही थी वो गलत था, क्योंकि बच्ची है अभी नाबालिग? हाँ, छोटी है, उस हिसाब से गलत था। वो बालिक हो जाए फिर उसका डिसीजन सर मान्य होगा, सबको मान्य होगा। तो ऐसे में वाराणसी के एक इंग्लिश मीडियम स्कूल की वो बच्ची है, छात्रा है, और उसके साथ 3 और छात्र आए थे। लेकिन इस मामले में जब स्कूल से बात करनी चाहिए तो प्रबंधक ने साफ मना कर दिया कि हम कुछ भी बात नहीं करेंगे। पहले जगहों में समानता, फिर लोगों की गवाही, ये बता रही थी कि वायरल वीडियो सच है। लेकिन हमने बच्चों के ड्रेस के जरिए स्कूल के बारे में भी जानकारी जुटाई और स्कूल ने हमसे नाम ना बताने की काफी गुजारिश की, जिससे हम उसके बारे में आपको नहीं बता पा रहे। हमारी पड़ताल में वायरल वीडियो सच पाया गया। तो अगली बार अगर आपके बच्चे पढ़ने जा रहे हो तो उन पर निगरानी जरूर रखें कि कहीं वो अपनी मासूमियत नशे से बर्बाद तो नहीं कर रहे। वाराणसी से राजू श्रीवास्तव की रिपोर्ट। क्या यूपी के पुलिस वालों पर सीएम की नसीहत का कोई फर्क नहीं पड़ता? ये सवाल शाहजहांपुर के एक वायरल वीडियो को देखने के बाद आप भी पूछेंगे। दावा है इस वीडियो में दिखने वाले पुलिसकर्मियों ने पहले थाने में शराब पी और फिर आपस में ही झगड़ा किया। जरा आप भी देखिए। थाने में ही रोने लगा पुलिस वाला, थाने में ही पुलिस वालों को देने लगा गालियां। यार हम भी कहते हैं पैसा घुमा बात यार, अरे हमें लाइन में नहीं, थाने में चल रहे हम, लाइन चल रहे हम। ये पुलिस का वायरल वीडियो है जिसमें दावा है कि एक पुलिस वाला अपने ही साथियों को थाने में ही भत्ती भत्ती गालियां दे रहा है। अब तो मैं समझा यार, जाओ यार, इसलिए मां बहन गाल दिया, सुनो मेरी देखो मां। तकरीबन 2 मिनट के इस वीडियो में चौकी में बने एक झोपड़ी नुमा मकान में कुछ पुलिस वाले बैठे हुए हैं, जिनमें आपस में किसी बात को लेकर बहस चल रही है। थाने में साइकिल स्टैंड के ठीक बगल में बने एक छोटे से मकान में पुलिस वाले आपस में झगड़े जा रहे हैं और उनकी आवाज बाहर तक सुनाई दे रही है। वीडियो के अगले हिस्से में मकान के भीतर चल रहे झगड़े को दिखाया गया है। इस मकान के भीतर 5 पुलिस वाले बैठे हैं। मकान में दाखिल होते ही एक पुलिस वाला खड़ा है, दूसरा कुर्सी पर बैठा है और 3 जमीन पर। कुर्सी पर बैठा पुलिस वाला बाकियों को डांट लगाए जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बाकी पुलिस वाले उसे सफाई दे रहे हैं। देखते ही देखते बहस बढ़ जाती है और कुर्सी पर बैठा पुलिस वाला पहले गालियां देता है फिर रोने लगता है। वायरल वीडियो में दावा है कि ये यूपी के शाहजहांपुर थाने का है और थाने में जान छलकाने के बाद पुलिस वाले आपस में ही झगड़े जा रहे हैं। हमने इस वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की। हमारे सामने कुछ सवाल थे, क्या ये वीडियो यूपी पुलिस का है? यूपी के किस थाने से आया है ये वीडियो? क्या पुलिस वालों में योगी का खौफ नहीं?
वायरल एक्सरे टीम को मिला वीडियो शाहजहांपुर के थाना रोजा का बताया जा रहा है। अब हम इसी की पड़ताल करने पहुंचे हैं थाना रोजा और हमको कुछ सवालों के जवाब तलाशने हैं कि घटना किस तारीख की है और थाने में एक शराबी सिपाही जमकर हंगामा करता रहा, साथी सिपाहियों से हाथापाई करता रहा, लेकिन जिले के आला अधिकारियों के कानों तक खबर नहीं पहुंची। हमने तकरीबन 2 मिनट के इस वीडियो को देखा, हमें कहीं भी पुलिस वाले शराब पीते नजर नहीं आए, लेकिन पुलिस वाले आपस में किसी बात को लेकर झगड़ते जरूर दिख रहे थे। वीडियो को ठीक से सुनने पर पुलिस वालों की लड़खड़ाती जुबा से ये आशंका पैदा हो रही थी कि कहीं वो नशे की हालत में तो नहीं। लेकिन हम पड़ताल को और पुख्ता करना चाहते थे और इसके लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय से हमें मदद मिल सकती थी। जल्द ही हम वहां पहुंचे और हमारे हाथ सबसे बड़ा सबूत लगा। अब हमारे हाथ लग चुकी है एक तहरीर की कॉपी, जिस तहरीर में घटना की पूरी जानकारी और वाकया है। फिलहाल इस तरीके के सिपाही जो है आए दिन खाकी वर्दी का माहौल बनाते हैं। शाहजहांपुर से कमलेश शर्मा, समाचार प्लस। ये तहरीर एक पुलिस वाले ने ही पुलिस वाले के खिलाफ दी थी, जिसमें उस दिन की घटना का जिक्र था और साफ तौर पर दिन और झगड़े का समय लिखा गया था। तहरीर से ही पता चला कि ये सभी होमगार्ड के जवान हैं और इनमें से एक शराब के नशे में था जो बाकियों को गाली दे रहा था। जो यहाँ पे उनके साथी उनसे बात करते हैं, वो नहीं माना, वहाँ अड्डे पर से सीधे यहाँ हंगामा 1 घंटे काटता रहा। एसआई साहब अदरोगा जी रवि मोहन शुक्ला आए, उन्होंने हाँ और हमने भी शिकायत की सर। वीडियो में कहीं भी शराब पीते पुलिस कर्मी नजर नहीं आए, लेकिन होमगार्ड के जवान के खिलाफ तहरीर लिखवाई गई थी। तहरीर में एक जवान ने दूसरे को शराब के नशे में बताया था। वीडियो में पुलिस वालों का झगड़ा साफ दिख रहा था और अधिकारी ने तहरीर के बाद जांच के आदेश दे दिए थे। इससे साफ हो रहा था कि वीडियो में दिख रहे पुलिसकर्मी नशे की हालत में थे और उनके बीच झगड़े की नौबत पैदा हो गई थी। मतलब हमारी पड़ताल में पुलिस वालों के लड़ने की बात सच निकली और थाने में मैखाना सजने की बात झूठी। समाचार प्लस के लिए शाहजहांपुर से कमलेश की रिपोर्ट। तुम बताओ यार, दुनिया दुख 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 देखती है, तुम लोग यार दुख देते हो।